सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास BSNL का सिम कार्ड है, यानी कि आप BSNL यूज़र हो और क्या और आप BSNL की स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान है? क्या आप जब भी कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करने जाते हैं तब आपको सिर्फ 800 kbps, 900 kbps या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 mbps की स्पीड देखने को मिलती है? क्या आप जब भी पबजी खेलते हैं तब हाई पिंग की वजह से आपका इंटरनेट लैग करता है, गेम लैग करता है और आप अच्छे से नहीं खेल पाते हो? या फिर आपका BSNL का इंटरनेट पहले तो ठीक चलता है लेकिन बाद में थोड़े समय बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या फिर वो नो नेटवर्क ऐसा दिखा के अटक जाता है? इनमें से आपका जो भी केस हो, आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको BSNL से रिलेटेड एक ऐसी APN सेटिंग बताऊंगा, या फिर सिंपल वर्ड्स में आज मैं आपको BSNL का एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जो आप अपने फ़ोन में अगर एक बार कर लोगे फिर आपको रॉकेट से भी फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखते रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं सेटिंग करने के बाद आपको लाइव स्पीड टेस्ट करके भी बताऊंगा कि मुझे कितनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। सो वीडियो को पूरा देखते रहना फ्रेंड्स। BSNL की नई APN सेटिंग थोड़े समय बाद आते रहती है और हर नई APN सेटिंग के बाद हमको ज़्यादा अच्छी स्पीड्स देखने को मिलती है। तो जैसे ही कोई अच्छी APN सेटिंग जो हमारे लिए जेन्यूनली रियली वर्क करे ऐसी आए तो मैं तभी उस पर वीडियो बनाता हूँ। मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता फ्रेंड्स। तो ऐसी अच्छी वर्किंग APN सेटिंग्स फ्यूचर में भी जानने के लिए इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस करके बाजू में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मैं फ्यूचर में जब भी BSNL की अच्छी वाली वीडियो बनाऊँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपके लिए ये वर्क करे या आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो भी BSNL यूज़ करते हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर से कर देना। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर लो और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो हमें सबसे पहले हमारी फ़ोन सेटिंग्स ओपन करनी है, तो मैं वो नोटिफिकेशन पैनल से कर लेता हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हो। फिर हमें सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, या फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, या फिर सिर्फ मोबाइल नेटवर्क मोर में जाके ऐसे ऑप्शन को क्लिक करना है अपने फ़ोन के हिसाब से। मेरे में सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क है तो मैं उस पर क्लिक कर लूँगा। फिर हमें हमारा BSNL सिम सिलेक्ट कर लेना है। मेरा सिम 2 में है सो मैं उसमें चला जाऊँगा। फिर इधर आप देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN की सेटिंग। तो हमारा मेन नेम ये है फ्रेंड्स, ये हर फ़ोन में अलग तरीके से ओपन होता है, तो आप अपने फ़ोन के हिसाब से एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग ढूंढ लेना फ्रेंड्स। मैंने मेरे फ़ोन के हिसाब से किया है। सो अब हम एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN की सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो आपको BSNL का बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला APN दिख जाएगा। आपके फ़ोन में भी ऐसा ही कोई एक या फिर 2 APN भी हो सकते हैं, मोस्टली यही होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक BSNL का नया APN दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड्स मिलेगी। लाइव स्पीड प्रूफ भी देख के जाना फ्रेंड्स। तो अब हम लोग एक नया APN क्रिएट करेंगे। तो मेरे फ़ोन में राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे प्लस आइकन ये रहा दिख रहा होगा आपको, तो उससे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। आपके फ़ोन में 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्रिएट न्यू APN का ऑप्शन आ सकता है, या फिर इधर नीचे प्लस आइकन या फिर क्रिएट न्यू APN का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। तो मैं राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे प्लस आइकन पे क्लिक करके न्यू APN क्रिएट करूँगा। तो आप न्यू APN के ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको ऐसा एम्प्टी फॉर्म दिखेगा, तो अब हमें इसमें वैल्यूज़ एंटर करनी है फ्रेंड्स। तो ये वैल्यूज़ केस सेंसिटिव है, सो कैपिटल को कैपिटल में और स्मॉल को स्मॉल में लिखना सेम टू सेम फ्रेंड्स। तो हमें नेम में लिख लेना है फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सेटिंग्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो केस सेंसिटिव है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट माई वेबसाइट आर्टिकल ऐसे एक लिंक दूंगा। तो आप जैसे ही उस लिंक को ओपन करेंगे आपको ऐसी वेबसाइट पे आ जाओगे, फिर इधर आप नीचे नीचे स्क्रॉल कर लेना।
जब तक आपको ये ना दिखे APN सेटिंग नंबर वन, BSNL APN सेटिंग नंबर वन, तो इधर आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन 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 फ्रेंड्स, इधर आपको सिर्फ वैल्यूज़ दिखेगी, वो वैल्यूज़ को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो वो सब के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखते रहो, लाइव स्पीड टेस्ट भी बाकी है। सो अब हम APN सेटिंग क्रिएट करते हैं। सो नेम में सबसे पहले हमें लिख लेना है BSNL, BSNL का बी कैपिटल, फिर स्पेस देके इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट का आई कैपिटल, फिर वन, ओके, BSNL इंटरनेट वन। फिर APN में हम लोग लिख लेंगे BSNL नेट, BSNL का बी कैपिटल और नेट का एन, और बीच में स्पेस नहीं। फिर प्रॉक्सी में नॉट सेट, पोर्ट में नॉट सेट, यूज़र नेम में नॉट सेट, पासकोड में नॉट सेट, और सर्वर में जाके हम लोग लिख लेंगे *99#। फिर MMS में नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, और MCC और MNC टो बिल्कुल भी छेड़छाड़ी मत करना फ्रेंड्स, ये आपके एरिया वाइज अलग होता है, सो इसको जैसा है वैसा ही रखना। फिर ऑथेंटिकेशन टाइप हमारी मेन सेटिंग, तो इसको में हम कर लेंगे PAP PAP सेलेक्ट, ओके, PAP को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर APN टाइप में हमको लिख देना है DEFAULT डिफॉल्ट कॉमा SUPL, एकदम ऐसे ही लिख देना फ्रेंड्स, आपको वेबसाइट पे वैल्यू मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद में ज़रूर से चेक कर लेना। फिर APN प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लेंगे, APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बियरर की सेटिंग मेन है फ्रेंड्स, तो इसमें अनस्पेसिफाइड पे टिक होगा तो उसे हटा देना, और LTE HSPA मतलब LTE से लेके फर्स्ट 7 सिलेक्ट कर लेना, ओके, अनस्पेसिफाइड के बाद वाले पहले 7, तो ये मैं कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप लोग में इतने सारे ऑप्शन नहीं है या फिर आप इतने सारे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ कोई भी एक ही सिलेक्ट कर पा रहे, तो LTE का सिलेक्ट कर लेना। और अगर आप मेरे जैसे बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं तो अनस्पेसिफाइड के बाद पहले 7 सेलेक्ट कर लेना। फिर हम बैक आ जाएंगे। तो अब हमारा सेटिंग तैयार हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स ये सेटिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बाकी है और लाइव स्पीड टेस्ट भी बाकी है, सो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो अब हम APN को सेव कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे दो APN क्रिएट हो चुके हैं, एक तो BSNL इंटरनेट जो पहले से आता है डिफॉल्ट वाला, और फिर दूसरा है BSNL इंटरनेट वन। तो अब हमने जो नया APN सेलेक्ट किया उस पर हम सिलेक्शन ला देंगे, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा सिलेक्शन BSNL इंटरनेट वन पे आ गया है, हमने जो नया क्रिएट किया उस पर। तो अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पे चले जाना, इधर आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, तो आप उसको अच्छे से देख लेना ताकि आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े। फिर मैं जो आपको स्पीड टेस्ट करके बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं Ookla ऐप का यूज़ करूँगा, तो अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको इधर डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी वेबसाइट पे ही। तो इधर आप क्लिक हियर टू डाउनलोड स्पीड टेस्ट बाय Ookla ऐप पे क्लिक कर देना, फिर वेबसाइट को नीचे नीचे स्क्रोल कर लेना फ्रेंड्स, जब तक आपको ये ना दिखे बेस्ट ऑफर एंड मस्ट चेक, तो इधर Amazon पे चल रहे हैं, लेटेस्ट ऑफर मैं डालता रहता हूँ, तो वो ज़रूर से चेक कर लेना, और नीचे नीचे विजिट कर लेना जब तक आपको ये ना दिखे माई ब्लॉग लिस्ट एंड माई गियर्स। तो इधर माई गियर्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा ट्राईपोड माइक और वो सब यूज़ करता हूँ, ज़रूर से चेक कर लेना, और भी नीचे नीचे तक स्क्रॉल करो, फिर आपको ये दिखेगा मस्ट फॉलो एंड सपोर्ट मी ऑन। तो इधर से मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, टेलीग्राम, आप जो भी यूज़ करते हो उधर ज़रूर से फॉलो कर लेना, मैं अच्छे अच्छे पिक्स डालता रहता हूँ और आप लोगों से उधर अच्छे से बातचीत भी करता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता रहता हूँ, सो फॉलो ज़रूर से कर लेना, वेबसाइट पे ज़रूर से चले जाना। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स लाइव। तो स्पीड टेस्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा Ookla ऐप का। तो ये मैंने Ookla ऐप ओपन कर लिया, और अब मैं गो पे टैप करूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रही है, 20 Mbps हम लोग अप्रॉक्स ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये सेटिंग ट्राई करके मुझे बोलो कि आपके लिए क्या ये वर्क करी। मोस्टली ये सभी फ़ोन पे वर्क करती है, अगर आपके लिए ये वर्क नहीं करे तो आप नीचे अपना फ़ोन का मॉडल नेम मुझे बता देना, लेकिन मोस्टली ये सभी के लिए वर्क करती है।
और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात, BSNL के ऊपर मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, जैसे कि BSNL कस्टमर कैसे कैसे बात करे और BSNL फ्री डेटा कैसे ले और वो सब। तो BSNL की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, तो वो सब की इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ाए वो सब की वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काम आए, आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अच्छा सा कॉमेंट कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और वेबसाइट पे ज़रूर से विज़िट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।